मेरे भाई, इल्म आज बहुत कोताही है हमारे माशरे में। हम और आप अपने बच्चों को मकतब पढ़ा लेते हैं और उसके बाद जाओ बाबू कोड़ा पाँव बेचो, बहुत कमाई होती है। एक रुझान बन चुका है, मुंबई में बड़ी तादाद है लोगों की, जाओ कोई ठेला पकड़ लो, किसी होटल में लग जाओ, पैसे आएंगे। होते हैं बहुत सारे माँ बाप गरीब जिनके हालात अच्छे नहीं होते, मजबूरन उनको ऐसा करना होता है। लेकिन मेरे भाइयों, देहातों का सर्वे करो तो ये आम लत लगी जा रही है लोगों को। अरे मतलब तो पढ़ लिया ना, कुरान पढ़ना जानता है, उर्दू लिखना आता है, हिंदी जबान जानता है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत पढ़ लिया है, जाओ बाबू जाओ कमा खेला। मेरे भाइयों, आप देखो आप ही के उन्हीं इलाकों के अंदर कोई दलित बिरादरी का इंसान आप पर हुकूमत कर रहा है। मैं जिस इल्म की बात करना चाहता हूँ वह इल्म इस्लाम है, इल्म दीन। लेकिन जैसा भी कुछ इल्म अगर किसी के पास है, अल्लाह की कसम बुलंदी उसे मिलेगी। लेकिन अगर वो इल्म इस्लाम रखता है तो वह दर्जे वाला इसका मुस्तहिक। कैसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हुक्मरानी उनके हाथों में है, इसलिए कि कुछ तो उन्होंने हासिल किया, कुछ सूझबूझ वाले हैं। लेकिन हम, हमारा मुहामला ये है, ना तो हम दीन में एक्सपर्ट बने और ना ही ये उलूम जो इनके यहाँ है, ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, जोग्राफिया, ये सारी चीज़ें हमारी नस्लें इसमें भी पीछे हैं। हालांकि हमारे आबा व अजदाद उनकी तारीख पढ़िए तो इल्म दीन और फिर इल्म तिब, इल्म जोग्राफिया, इल्म साइंस, ये तमाम किन की इजादात है, हमारे आबा व अजदाद। आइए, मैं जिस इल्म की बात करना चाहता हूँ वो इल्म इस्लाम है, इल्म शरीयत है। इसलिए कि यही इल्म जिसके पास है हकीकी मानों में आलम वही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का हुक्म सबसे पहले दिया है अमल से। अच्छा, बताने से पहले मैं पूछ लूँ, ये बताइए इल्म और अमल ये दोनों साथ साथ हैं या इनमें से कोई पहले और कोई बाद में है? जी, इल्म पहले और फिर अमल है। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी जमातें आपको नजर आएंगी, आप देखेंगे वो अमली मैदान में तो बहुत आगे लेकिन इल्म के मैदान में बहुत पीछे। और हमारे यहाँ मामला कुछ उल्टा है, हमारे पास किसी कदर अकीदे का, तौहीद का, इन तमाम चीज़ों का इल्म है एक हद तक, लेकिन अमल में हम पीछे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इल्म ये पहले है और अमल बाद में। दलील, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना तो नमाज पढ़ने को कहा, ना रोज़ा रखने को कहा, ना हज पर जाने को कहा, ना ज़कात देने को कहा, अगर कहा तो क्या कहा। सबसे पहली वही मेरे भाइयों में हमारे मकतब के तलबा को भी याद है, सूरह आलक की 5 आयतें जिसमें अल्लाह ने फरमाया था, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله نے کہا اقرأ پڑھو کیا پڑھو باسم ربك توحید کا علم अपने रब के नाम से शुरुआत करो। इल्म जब कहा जाए तो आमतौर से उससे इल्म इस्लाम, इल्म तौहीद ही मुराद होता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले इल्म है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को दिया, जबकि अभी अमल का कुछ कोई और हुक्म नहीं। अच्छा, एक दूसरी जगह भी एक दूसरी आयत अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब करके फरमाया, वहां भी इल्म की बात है और फिर अमल की। सूरह मोहम्मद सूरत नंबर 47 की आयत नंबर 19 है, अल्लाह फरमाता है फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक। इल्म हासिल कर लो ऐ नबी, आप जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, यानी तौहीद का इल्म हासिल कर लो। वस्तगफिर लिज़म्बिक, अल्लाह ने अमल को बाद में रखा, और फिर इस्तगफार करो।
अपने लिए वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, मोमिनों के लिए और मोमिना औरतों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में भी पहले इल्म का जिक्र फरमाया और फिर इस्तिग़फ़ार यानी अमल का जिक्र फरमाया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ इल्म है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, यह इल्म है जो हमें दुनिया में भी मकाम अता करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत की सुरखरुई और कामयाबी भी इसे इल्म की बदौलत हमें मिलेगी। क्योंकि जब इल्म और इदराक होगा, बसीरत होगी, हम उसकी रोशनी में अपने काम अंजाम देंगे जो अल्लाह ने हमें अहकाम दिए हैं। और जब हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलेंगे इल्म के रोशनी में, तो इंशाअल्लाह आखिरत की कामयाबी भी मैसर आएगी। लोग कहते हैं अरे कौन से आलिम हैं जिनको कोई MLA या MP का बनाया गया हो? MLA MP कौन लोग हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि हुकूमत हमारी नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमतें हो, इस्लाम का बोलबाला हो, तो यही उलमाए किराम अल्लाह की कसम हकदार है कि हमारे काजी हो, हमारे जज हो, हमारे मामलों में हकम हो। क्या सऊदी अरब की हुकूमत हमारे सामने नहीं है? उलमाए सऊदी अरब दीनी मसाइल में उनके फतवों के बगैर कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसी आगे नहीं जाती जब तक लजना दाइमा से मशवरे ना हो। हरमैन शरीफैन के अइम्मा को वजीर का मकाम हासिल है, ये मकाम इस्लाम ने दिया है। और इसी इस्लाम ने उस जमाने में भी जब से इस वही का नुजूल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया सूरह मुजादला सूरत नंबर 58 की आयत नंबर 11 में, आज भी आयत आप पढ़िए और बुलंदी के मरातिब अगर हासिल करना है तो अमल कीजिए। अल्लाह ने क्या कहा? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات। अल्लाह ताला दर्जात, डिग्रियां, स्टेटस बढ़ाता है, बुलंद करता है। किनके? नंबर एक ईमान वालों के, الذين آمنوا, الذين آمنوا ईमान वालों के दर्जात अल्लाह ताला बढ़ाता है, बुलंद करता है। वल्लदीना उतुल इल्म, और वो लोग जो अहले इल्म है उनके दर्जात अल्लाह बढ़ाता है। यानी अगर ईमान वाला बहुत बड़ा आलिम ना भी हो तो अहले ईमान होना ही उसके मकाम की पहचान है, सुभानअल्लाह। और अगर वो साहिब इल्म हो जाए, आलिम उसके साथ बन जाए, तो उसके मकाम का क्या कहना? ये आयत बता रही है। तो मेरे भाइयों, इल्म से अल्लाह ने दर्जात बुलंद फरमाए हैं और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान ने वाकयात पेश किए हैं। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब उनको बनाया, बनाने का इरादा किया, फरिश्तों से अर्ज़ किया, फरिश्तों ने थोड़ी राय भी अपनी जाहिर की, अल्लाह हम इतनी तादाद में हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी तस्बीहात पढ़ रहे हैं, क्या हम काफ़ी नहीं हैं? लेकिन अल्लाह ने कहा था कि नहीं, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने बनाया, अपने हाथों से हजरत आदम को बनाया। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 30 से लेकर 34 पढ़िए, उसमें है कि अल्लाह ने आदम को बनाया और उसके बाद उनको कुछ नाम सिखा दिए, तालीम दे दी, इल्म अता फरमा दिया हजरत आदम को। आदम को बनाया मिट्टी से, किसे बनाया? मिट्टी से। फरिश्ते किसे बने? नूर से, रोशनी से। जिनों को अल्लाह ने आग से बनाया, आग, रोशनी और मिट्टी। आमतौर से लोग मिट्टी को हाथ ही समझते हैं, लेकिन क्या मकाम अल्लाह ने दिया आदम अलैहिस्सलाम को? आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदे मलायक बना दिया, फरिश्तों झुक जाओ इनके सामने। लेकिन वजह क्या अल्लाह ने बताई, क्या रीजन रखा उनके सामने, वो देखिए कुरान में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। अल्लाह ने
जब सिखा दिया आदम को कुछ नाम, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जरा तुम बता दो, फरिश्तों जरा तुम बता दो इनके नाम। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह हमें नहीं मालूम। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह हमें तो उन्हीं चीजों का इल्म है जो तूने हमको बताया है, अल्लाह ये चीजें हम नहीं जानते। ला इल्मी का इजहार किया, तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدؤون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كه يا آدم زرع तमाम चीजों के नाम बता दिए, इसलिए कि अल्लाह ने सिखा दिया था। तो अल्लाह ने कहा, फरिश्तों क्या मैंने नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो? मैं आसमान और जमीन का गैब जानता हूं, उसे भी जानता हूं जिसे तुम जाहिर करते हो, और उसे भी जानता हूं जिसे तुम छुपा कर रखते हो। मैं आलिम हूं, आलिमुल गैब हूं। तो फरिश्तों को अल्लाह ने बाद में जब उन पर यह बावर हो गया कि आदम आलिम है उन चीजों के जो हम नहीं जानते, तो अल्लाह ने कहा, झुक जाओ, सजदे कर लो। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, उसके बाद की आयत है। और याद करो जब हमने कहा था फरिश्तों से झुक जाओ आदम के सामने, सब के सब झुक गए सिवाय इब्लीस के, अब उसने इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया और वो काफिरों में से था। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा मकाम कि वो मिट्टी से बने, लेकिन रोशनी और नूर से बनने वाले फरिश्ते उनके सामने झुक गए। कुरान की आयत की रोशनी में जरा बताओ, आदम मस्जूदे मलायक क्यों बने? अल्लाह के दिए हुए इल्म की बुनियाद पर, अल्लाह के दिए हुए इल्म की बुनियाद पर। और अल्लाह ने बाकायदा ये बावर कराने के बाद उन्हें हुक्म दिया है, जैसा कि कुरान की तरतीब बता रही है, कुरान का ऑर्डर बता रहा है, कुरान की प्रायोरिटी बता रही है कि अल्लाह ने इस तरह से उनके सामने बातें रखी। और जब वो अच्छी तरह समझ गए कि आदम के पास कुछ ऐसा इल्म है जो हमारे पास नहीं, तब अल्लाह ने कहा, झुक जाओ, और वो झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो आप जानते ही, उनके भाइयों ने बचपन में इतना हसद किया उनसे कि ले जाकर कुएं में डाल दिया, चलो यहां से कोई पकड़ कर इन्हें उठा ले जाएगा, अपने देश अपने मुल्क लेकर चला जाएगा, हमारे अब्बू को खबर भी नहीं होगी, हम लोग इनसे पनाह पा जाएंगे, हमारे अब्बू की मोहब्बतें हमारे लिए खालिस हो जाएंगी। लेकिन देखो, वही यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको नजात अता फरमाई, बाजार मिस्र में बेचे गए, औने पौने दामों में उनका सौदा हुआ, लेकिन वही यूसुफ अजीज मिस्र ने खरीदा, जुलेखा उनकी मुरब्बिया बन गई। जवान जब हुए तो उनको अपने दामे फरेब में भी फंसाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमा दिया था। आखिरकार उन औरतों के मकर फरेब में आकर के जेल की सलाखों के पीछे भी यूसुफ गए, लेकिन अल्लाह ने उसी यूसुफ को इल्मे रुया अता फरमाया, ताबीर ख्वाब बताने लगे, और जेल ही में उन्होंने दो जेल वाले जो थे कैदी, उनके ख्वाबों की ताबीर उनको बता दी। और बस रफ्ता रफ्ता जब बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा और उसे जरूरत पड़ी कि मुझे भी ताबीर चाहिए, किसी ने बताने वाले ने बता दिया कि जेल में फला नौजवान वो ताबीर ख्वाब बताता है, और देखो मेरे साथ ऐसा और ऐसा हुआ जो कुछ उसने बताया था, ठीक है जरा जाओ उस यूसुफ को लेकर के आओ। शाहाना अंदाज में यूसुफ को जेल की सलाखों से बाहर लाया गया, बैठा कर अच्छी तरह बाइज्जत अंदाज में उनको बादशाह के दरबार में उनकी हाजिरी हुई, बताया उन्होंने। और एक वक्त आया वजारत और कलमदान तकसीम होने लगे, तो वहीं मिस्र के वजीर खजाना अगर कोई बने तो कुरान ने बताया है वो यूसुफ थे। सूरह यूसुफ सूरत नंबर 12 की आयत नंबर 55, قال اجعلني على خزائن الارض قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم। क्या बादशाह, जमीन के खजानों का मालिक मुझे बना सकते हो? ये वजारत इसका मैं अहल हूँ, इन्नी हफीज,
इसलिए कि मैं मैनेजमेंट का अच्छा माहिर हूँ, अच्छा मुहाफिज हूँ, अलीम जानकार हूँ, इल्म है मेरे पास, हक वाले को हक दे सकता हूँ। जुल्म ज़्यादती से इस वजारत खजाना को बचा सकता हूँ। जैसे कि आमतौर से होता है, लोग वजारतें पाते हैं, ये कलमदान उनके हाथों में जब आता है तो बगैर इस्तेहकाक के भी ब्रदरवाद की इस वादी में इस बुत की पूजा करते हुए अपनी बिरादरी, अपना कुंबा, अपना कबीला, अपनी अपनी और अपनी की राग लोग अलग थे। हजरत यूसुफ ने कहा, मैं जानकार हूँ और अच्छा निगरान हूँ इसका, इसका मुस्तहिक हूँ। इससे पता चलता है कि कभी ऐसा अगर किसी को समाज और सोसाइटी में कुछ अहम ओहदे तकसीम हो रहे हों, कोई आदमी उसका मुस्तहिक अपने आप को समझ रहा है और वाकई वो एबिलिटी उसके अंदर है, उसे डर है कि ये ओहदा और ये कुर्सी फलां के पास अगर गई सिर्फ इसलिए कि वो माल वाला है, वो दौलत वाला है और फलां नखरे वाला है, वो कराबत परस्ती में मुब्तला हो जाएगा, अकरबा परस्ती उसके अंदर आ जाएगी, हक वालों का हक मारकर वो अपने खानदान वालों को देने लगेगा, वो हक वालों का हक छीन करके अपनी बिरादरी को नवाजेगा। लोग महरूम हो जाएंगे जो हक वाले हैं, तो चलो मैं अपना नाम रखता हूँ, रख सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपना नाम रखा, लेकिन अलीम उसे जानकार होना चाहिए। मेरे भाइयों, इल्म ने लोगों को मकाम अता फरमाया। कुएं में फेंके जाने वाले यूसुफ को अल्लाह ने वजारत अता फरमाई, बाजार में बिकने वाले यूसुफ को अल्लाह ने वजारत और इस तरह के बड़े ओहदे दिए। क्या आज हम इस्लाम का इल्म हासिल करके अपना हक नहीं ले सकते? मिलेगा। आजकल कहा जाता है ना कि तासुब, हुकूमत बड़े तासुब से काम ले रही है, यकीनन। लेकिन मेरा कहना है, आओ आओ अपने इल्म के जौहर, अपनी बसीरत के जौहर, उसकी लौ इतनी बढ़ा दो, उसकी रोशनी इस कदर फैला दो कि इनके तासुब की चिंगारियों से बुझ जाए। आओ उस कंपटीशन में हिस्सा लो, लेकिन इल्म के हथियार की बुनियाद पर, इल्म से लैस होकर अल्लाह के कसम इनके तासुब की चिंगारियां बुझ जाएंगी। जरा अपने इल्म की लौ तो बढ़ाओ। लेकिन हम यही राग अलाप रहे हैं, तासुब तासुब तासुब, और इल्म में पीछे। अल्लाह ताला यहां भी नवाजेगा और इंशाअल्लाह वहां भी। आओ ये अज़्म करके उठो, ये इल्म जिसकी फजीलतें इस्लाम ने बयान फरमाई हैं, जिसके हुसूल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को रग़बत दिलाई है, उस इल्म से अपने आप को लैस करेंगे।